गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का जो ये क्लिप चल रहा है, ये संडे के दिन का है और सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो मौसम अभी काफ़ी अच्छा है। बाद में धूप आ गई थी तो गर्मी हो गई थी, पर एकदम से बारिश होके हटी थी तो काफ़ी अच्छा वेदर लग रहा था बाहर का। तो अभी मैं बालकनी में खड़ी होकर बात कर रही हूँ अपनी इन-लॉज से, मतलब माँ से बात कर रही हूँ, सासू माँ से। और संडे को क्या होता है, आप रिलैक्स होकर थोड़ा बात कर सकते हो, नहीं तो और दिन ना बड़ी भागम भाग मची रहती है। तो वही मैं बात कर रही हूँ। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट संडे का। तो मैंने फिर से ढोकला बनाया था क्योंकि मम्मी के साथ जो वीडियो बनाई थी ढोकले की, उसको एडिट करते करते देख करके मेरा फिर से ढोकला खाने का मन हो गया था। तो यही था हमारा संडे का ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग एवरीवन, आज ट्यूसडे हो गया है तो अभी तक जो आपने क्लिप देखी वो सारी संडे की थी। और आज ट्यूसडे मॉर्निंग है, अभी हो रहा है 11:25। और बच्चों की बहुत ही भयंकर आवाज़ आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो बीच में ये एक दिन का गैप करके मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ और मैंने संडे मंडे क्यों नहीं शूट किया, क्योंकि संडे मैंने थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद मैंने बोला था मैं कुछ न्यू डिशेस ट्राई करने वाली हूँ और मैंने ट्राई भी की, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्यों बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कैमरा पिक करने का और कुछ करने का। तो संडे सारा ऐसे ही स्पेंड हो गया। बाकी अगर मैं उस दिन ब्लॉग बनाती तो बहुत अच्छा बनता, हम लोग बाहर भी गए थे घूमने फिरने, बट मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया। मंडे मैं कल पूरा दिन घर में ही नहीं थी, मैं बाहर थी कुछ काम से, और बस उसी वजह से मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी भी विश नहीं कर पाई। तो मैंने ट्राईपॉड लगा लिया है क्योंकि इतना बड़ा कैमरा जब से मैं होल्ड करने लगी हूँ ना, तब से मेरे शोल्डर में पेन रहने लगा है क्योंकि लेफ़्ट हैंड से होल्ड करना पड़ता है। तो मैं कह रही थी कि मैं पूरा दिन कल बाहर थी, कुछ काम था इस वजह से, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे भी गणेश चतुर्थी की बधाई नहीं दे पाई। तो मेरी तरफ़ से सभी व्यूवर्स को तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और गणेश चतुर्थी की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो हमारे यहाँ तो गणपति जी वगैरह नहीं लाए जाते हैं, पर जिनके यहाँ भी लाए जाते हैं उनके यहाँ तो एकदम त्यौहार का मौसम चल रहा होगा। तो आप में से कौन कौन गणपति जी को अपने घर पे लाता है और क्या क्या करते हो आप, कैसे सेलिब्रेट करते हो, मुझसे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो अभी जो आपने क्लिप देखी ढोकले की क्लिप संडे की, जो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, उसको मैंने उसमें इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि मैंने रेसिपी शेयर की थी ढोकले की, और ये वाला ढोकला जो मैंने संडे बनाया था ये और भी ज़्यादा अच्छा बना था। तो हमेशा मैं क्या करती थी, सिर्फ इनो डाल करके और मतलब ढोकला बनाती थी,
लेकिन मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप इनों के साथ में ना एक चुटकी उसमें सोडा भी डालिए, मीठा सोडा जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने संडे को एक चुटकी मीठा सोडा भी डाला था। पूरी रेसिपी वही थी जो मैंने शेयर की थी आप लोगों से, बस एक उसमें एडिशन ये हो गया था कि उसमें मीठा सोडा मैंने एक डेढ़ चुटकी के करीब डाल दिया होगा। तो उससे क्या हुआ कि और भी ज़्यादा फ्लफ़ी और भी ज़्यादा स्पॉन्जी ढोकला बना था, तो इसीलिए मैंने वो शेयर किया कि आप देख सकें पहला और इसमें डिफ्रेंस क्या था। तो जब भी आप बनाना, जब भी आप ट्राई करना, तो उसमें एक चुटकी सोडा ज़रूर यूज़ करना इनो के साथ में, ताकि और फ्लफ़ी और अच्छा बने ढोकला। तो बस इसीलिए मैंने वो क्लिप शेयर की है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा अच्छा बना था और भी ज़्यादा स्पॉन्जी बना था। उसके बाद आज मैं फिर से क्यों कंटिन्यू कर रही हूँ ये ब्लॉग, बिकॉज़ आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ तो ऐसी रेसिपीज़ बना रही हूँ जो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। कुछ क्या, मैं सारी रेसिपी वही बना रही हूँ जो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दाल मखनी की रेसिपी मेरे चैनल पे बार बार लोग पूछते रहे हैं, और मैं उनको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करती रही हूँ कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जिस टाइम मैंने चैनल अपना ओपन किया था, उसी के शायद 4-5 महीने के अंदर ही मैंने रेसिपी डाली थी, तो मे बी वो बहुत पुराना वीडियो है, इस वजह से आप लोगों को नहीं मिलता है, पर अक्सर मेरे पास आता रहता है कॉमेंट। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ दाल मखनी, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उसके लिए दाल मखनी बना रही हूँ। शाही पनीर बना रही हूँ जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और एक सब्ज़ी मैं मॉर्निंग में ही बना चुकी हूँ, वो है आलू और बीन्स की सब्ज़ी, वो बनेगा, रायता बनेगा। तो बस अभी हो रहा है 11:30 और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, घर का सारा काम करने में इतना टाइम लग गया, तो अभी हो रहा है 11:30, अभी से मैं स्टार्ट करूँगी। सिद को 1:15 के आसपास मुझे स्कूल से पिक करने जाना होता है, तो कोशिश करूँगी तब तक सब कुछ बना के रख दूँ। वैसे इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट कोशिश करूँगी सब कुछ करके रख दूँ। चलिए चलते हैं किचन में, और मेरे किचन का एक चेंज है जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाया। लगभग 1 वीक हो चुका है, और 1 वीक से मतलब हाइट तो नहीं किया मैंने, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाऊं। तो किचन में जो मैंने चेंज किया है, उसकी वजह से मेरा किचन बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो गया है, और मुझे लग रहा है इतने 2-3-4 महीनों से मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया था। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि आप मंदिर के नीचे एक जो क्या बोलते हैं उसको शेल्फ, हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने मंदिर के नीचे शेल्फ़ लगाने का सजेशन दिया था, तो मैंने वो शेल्फ़ भी लगवा लिया है और किचन में भी एक चेंज कर लिया है। तो चलो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको, किचन का चेंज बहुत ही अच्छा है। जैसे आप जानते हैं मेरा छोटू सा क्यूटू सा किचन है, और उसमें मैंने एक साइड में OTG रख दिया था, जिसने कि बहुत सारा स्पेस ले लिया था, तो मैंने OTG को ना यहाँ पे लगवा दिया है ऊपर, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, और मतलब यूज़ करने में भी इजी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। और जो ये मेरा किचन का कॉर्नर का स्पेस था, ये बिल्कुल खाली हो गया है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर आ गई हैं, जैसे मैंने पहले अरेंज करके रखा था बिल्कुल मैंने वैसे अरेंज कर दिया। इतना प्लेटफॉर्म खाली हो गया है, और इसकी वजह से इतना मतलब इजी होता है काम करना। बीच में क्या होता था, मुझे कुछ भी सामान रखना होता था, क्योंकि काम करते समय आप सामान फैला देते हो सारा, और उसके बाद काम करते हो, तो जो भी मुझे कुछ बनी हुई चीज़ें, पकी हुई चीज़ें, खाना साइड में लगाना होता था, तो फिर ये जगह रहती नहीं थी, मुझे OTG के कभी ऊपर रखना पड़ता था, कभी इधर, कभी उधर, कभी मैं सेंटर टेबल पर, जैसे मैंने भी जन्माष्टमी की पूजा की थी, तो जितना भी बना हुआ प्रसाद था वो सारा मैंने TV यूनिट के ऊपर लगा के रखा था, ताकि उसमें छुआछूत कुछ ना हो। ऐसे क्या होता था, मैं इस साइड कोने में कर देती थी। तो फिलहाल ये कॉर्नर खाली हो गया, और ये OTG जो ऊपर रख दिया है, ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि इनबिल्ड होते हैं ना किचन में, उस टाइप का कुछ फील दे रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा है, ताकि जो मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के डब्बे में रखती हूँ वो रख सकूँ। मैं बातें थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि क्या होता है मैं बोलती ही जाती हूँ जब मैं शुरू होती हूँ तो, और फिर बाद में क्या होता है मुझे एडिटिंग में सारा कट करके हटाना पड़ता है, हर वीडियो में यही होता है, तो इसीलिए मैं बातें कम करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले ये मैंने भिगो के रात में ही रख दिया था, तो इसमें उड़द दाल है, और 1 या 2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें राजमा डाला है। तो सबसे पहले इसको उबलने चढ़ाऊंगी, और दूसरी तरफ मैं प्याज की कटिंग शटिंग का स्टार्ट करूँगी। Thank you.
तो दाल और राजमा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं इसको उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। तो 3 कप मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और इसकी क्वांटिटी मेज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से आप अपने घर में राजमा चने छोले बनाते हैं उसी क्वांटिटी में आप दाल डालिए और बस उसमें 1 या 2 मुट्ठी आप राजमा डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा राजमा नहीं पड़ता है, तो कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं है पक्का, आप अपने घर के हिसाब से बना सकते हैं। तो बस एक तरफ मैंने चढ़ा दी है दाल और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो ये फ़िलहाल मैं अभी शाही पनीर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ढेर सारा प्याज जाएगा क्योंकि पनीर में भी प्याज लगता है और इसमें भी बहुत सारा प्याज लगता है, दाल मखनी में भी काफ़ी प्याज लगता है। तो थोड़ा और मुझे काटना पड़ा था, जो निकाला था वो कम पड़ गए थे। तो अदरक थोड़ा सा मैंने चॉप करके रख लिया है बिल्कुल रफली, और रफली ही मैं यहाँ पे प्याज चॉप कर लूँगी। तो 3 से 4 मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लूँगी। और ये पनीर के लिए है, तो पहले मैं पनीर का जो मुझे प्याज और टमाटर का एक पेस्ट जैसा बनाना है उसको मैं पहले छौंक दूंगी क्योंकि उसे मुझे बाद में ब्लेंड करना है। तो अभी से बना के रखूंगी तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। थोड़ा मैंने इसमें ऑयल लिया है, तो इसमें आप सरसों का तेल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, या तो आप पूरा का पूरा बटर यूज़ करो और या फिर थोड़ा सा आप उसमें ऑयल मिला दो। तो जो मैंने कनोला ऑयल मंगाया था मैंने थोड़ा सा 1.5 चम्मच वो डाला है और उसमें बटर डाला है। और इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफली दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। मैं बता भी देती हूँ, मैंने थोड़ा सा बटर ऑयल लिया है, उसके अंदर 3 लौंग 3 इलायची डाली हैं, उसके बाद अदरक के कटे हुए टुकड़े डाले हैं और फिर ये ढेर सारा प्याज डाल दिया जो कि रफली चॉप्ड है। और इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा रेड ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पिंक हो जाए, कलर चेंज हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए अनियन, बस उतना हमको भूनना है। और यहाँ पे ये लिए हैं मैंने टमाटर 3। तो वैसे तो अगर आप इसके अंदर वो जो हाइब्रिड टमाटर आते हैं वो डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसमें कलर बहुत अच्छा आता है और खटास कम होती है, पर मेरे पास ये वाले थे तो मैंने यही यूज़ कर लिए। तो इसमें मुझे कलर के लिए कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। प्याज सॉफ्ट हो गए थे, टमाटर भी डाल दिए मैंने, अब इसको ढक के मीडियम लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूंगी जब तक ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसको मैंने अब साइड रख दिया, वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसको ब्लेंडर में अच्छे से पीस लूँगी। और यहाँ पर ये मैं प्रिपरेशन अब कर रही हूँ दाल मखनी की। तो देखिए मैंने जिंजर लिया है ढेर सारा, और जिंजर सारा का सारा मिक्सी में नहीं पिसेगा, थोड़ा पिसेगा और थोड़ा मैं जूलियंस करके बाद में डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर ले लिया और 7 से 8 मैंने गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, इसका मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूंगी। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी 1 चम्मच क्योंकि ऐसे ये ब्लेंड नहीं होगा, तो थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ये साइड रख दूंगी। और प्याज जो है पीसे नहीं जाते हैं दाल मखनी में, प्याज हमेशा छोटे छोटे कट करके डाले जाते हैं, तो बहुत ही फाइनली स्लाइस होने चाहिए आपके ऑनियन, चॉप्ड होने चाहिए, स्लाइस भी नहीं कहूंगी, चॉप्ड होने चाहिए, एकदम छोटे 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 होने चाहिए। और बेहतर ये होगा कि आप जो रेड अनियन आता है वो हमेशा इस्तेमाल करें। मेरे घर में नहीं था और मुझे मार्केट में भी रेड अनियन नहीं मिला, पता नहीं क्यों अभी शॉर्टेज चल रही है लगता है रेड अनियन की, तो ये व्हाइट अनियन ही था मेरे पास, तो ये इस्तेमाल किया है। रेड अनियन बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है और बहुत जल्दी भी पक जाता है और उसका स्वाद भी बहुत अलग होता है और दाल मखनी में बहुत अच्छा आता है। तो मैंने चॉपर में यहाँ पे जो 3 प्याज लिए थे उनको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, और पैन में मैंने तड़का तैयार करने के लिए डाला है थोड़ा सा कनोला ऑयल और उसमें डाला है ढेर सा बटर, मतलब 2 चम्मच बटर होगा लगभग। और फिर उसमें डायरेक्ट मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, और मैं दाल मखनी में जीरा वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करती और किसी भी तरीके के खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, डायरेक्ट बटर में या फिर तेल में जिसमें भी बना रही हूँ मैं प्याज डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये जो प्याज है इनको मुझे ब्राउन करने में लगभग 10 मिनट लग गया होगा, देखिए इस स्टेज तक लाने में इनमें 10 मिनट मुझे लग गया। अगर ये रेड अनियन होता तो बहुत जल्दी गल जाता और इसके आधे समय में ही पक जाता। तो जैसे ही ब्राउन हो गए हैं प्याज मैंने उसके अंदर डाल दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट खुले मिजाज से डालिएगा, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा डालिएगा, ऐसे नहीं, मतलब 2 बड़े चम्मच कम से कम ये रहा होगा। और फ्रेशली बनाइएगा, जो पैक्ड आते हैं वो मत डालिएगा, तभी जो है खुल के और अच्छा स्वाद आएगा। तो ये मसाले का तेल सेपरेट होने लगा है, तो अब मैं टमाटर जो है उनको पीस लूँगी मिक्सी में। तो 4 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। तो ये पूरा जो पेस्ट बनाया मैंने ये ऐड कर दिया इसमें, और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते और ये जो पूरा ग्रेवी है इसमें से तेल रिलीज नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। और ढक ढक के पकाऊंगी मैं, थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करती रहूंगी।
बस टमाटर को इसी तरीके से पका लेना है, ढकना है, फिर चेक करना है, फिर ढकना है, जब तक कि ये पूरे टमाटर हो नहीं जाते। और अब बात करें अगर मसाले की, तो मैंने यहाँ पे SDS का मसाला यूज़ किया है, जो कि सभी जो डेरीज होती हैं उन पे अवेलेबल होता है। मुझे नहीं लगता कि ये किराने वगैरह की शॉप में मिलता है, ये डेरीज़ में अवेलेबल होता है। तो आप लोग अपने आसपास नियर बाय डेरीज़ में पता करेंगे तो ये ज़रूर मिल जाएगा। इसकी सप्लाई काफ़ी अच्छी है दिल्ली और NCR में। तो ये मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एकदम आपको अगर मार्केट वाला टेस्ट चाहिए अपनी दाल मखनी में, तो एक चक दे कंपनी है, उसका दाल मखनी का मसाला आता है। मैंने आज बहुत सारी, कम से कम 3-4 शॉप पे पता किया घूम घूम के, लेकिन मुझे वो मसाला बिल्कुल नहीं मिला। तो मेरा सेकंड ऑप्शन था ये SDS का मसाला। आप अपने आसपास पता कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके आसपास आपकी ग्रॉसरी शॉप, किराना शॉप पे चक दे कंपनी का दाल मखनी मसाला मिलता है ना, तो आप उसको एक बार मेरे कहने पर ला के ट्राई करके देखिएगा। आपको एकदम बाहर जैसे दाल मखनी बनती है ना, वो स्वाद आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे SDS का यूज़ किया है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मसाला डाला था मैंने ग्रेवी में और अच्छी तरीके से उसको पका लिया, जब तक मसाले की खुशबू नहीं आ गई। और उसके बाद मैंने ये दाल मखनी जो बॉईल करके रखी थी, मतलब दाल अभी तक मखनी नहीं बनी है, दाल में डाल दिए हैं सारे मसाले, ग्रेवी, और अभी इसमें पानी कम था तो मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है, ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेस्चर हो जाए इसका। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल दिया, जितना मुझे इसको गाढ़ा पतला जितना रखना है उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। आप भी अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो, और आप इसको घर के जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं उनसे भी बना सकते हो, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा टेस्ट पसंद नहीं आता, वो दाल मखनी वाला फील नहीं आता। तो मैं हमेशा स्पेशल मसाले ही खरीद के लाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो छोले हो चाहे राजमा हो, स्पेशल मसाले ही लाती हूँ। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इसको अब काफ़ी देर तक पकाना है, कम से कम 8 से 10 मिनट। और दाल मखनी बनाने का एक सीक्रेट और होता है कि दाल मखनी तली में थोड़ी सी लग जानी चाहिए, जैसे हम खीर तली में थोड़ी सी लगा देते हैं ना, वैसे ही दाल मखनी भी जले नहीं, लेकिन वो जो एक हल्का सा चिपकना होता है वो चिपक जाए अगर, तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने अभी चढ़ा दिया, दाल मखनी होती रहेगी। और यहाँ पे जो शाही पनीर की ग्रेवी थी, जो मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट टाइप का बनाया था, उसको मैंने पीस लिया है, और अब मैं उसको छन्नी से छान रही हूँ। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो, मैं जब घर पे बनाती हूँ तो मैं कभी नहीं छानती हूँ, लेकिन जब कोई बाहर से गेस्ट वगैरह आ रहा होता है खाने के लिए, तो मैं इस तरीके से छान देती हूँ। तो जो भी मोटे मोटे पीस होते हैं इलायची के या लौंग के, वो सारे निकल जाते हैं, और आपकी ग्रेवी एकदम क्रीमी सी निकल के आती है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी जो किसी भी चीज़ का छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिलेगा आपको। तो कोई बाहर से आता है तो ज़रूर आप ऐसे छान सकते हो। और आधा चुटकी के करीब मैंने इसमें रेड फूड कलर डाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास टमाटर वो वाले नहीं थे, तो देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है जिसमें कलर अच्छा नहीं आता है। तो मैंने एकदम आधा चुटकी, एक चुटकी भी नहीं, आधा चुटकी इसमें कलर डाला है, ताकि हल्का सा इसका कलर बदल जाए। और केचप डाला है 1 चम्मच के करीब, और आधा छोटी चम्मच से भी कम इसमें जाएगा गरम मसाला। बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करना है इसके फ्लेवर को, इसमें एकदम क्रीमी फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा गरम मसाला वगैरह ना डाल दें, एकदम आधी छोटी चम्मच से भी कम इसमें गरम मसाला डालें। और तिकोने मैंने यहाँ पे पनीर के टुकड़े काटे हैं, उनको मैंने ऐड कर दिया है। इसको ढक करके मैं बॉईल कर दूंगी, और कितने क्रीमी लग रहे हैं, जैसे हम पाव भाजी में भाजी को देर तक पकाते हैं, उसी तरीके से हमें दाल भी काफ़ी देर तक पकानी पड़ती है दाल मखनी को। तो इसको मैंने चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे, और ये पकती जा रही है, पकती जा रही है। 7-8 मिनट मैं इसको और पकाऊँ, मतलब पूरा टोटल टाइम 7-8 मिनट पकाऊँगी। थोड़ा सा मैंने उसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, और यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो बस अब इसमें एक ही चीज़ बची है पनीर के अंदर, मुझे क्रीम ऐड करनी है। तो क्रीम लाना मैं बिल्कुल भूल गई थी, मुझे क्रीम इसमें पनीर में भी थोड़ी सी ऐड करनी है, और मुझे क्रीम दाल मखनी में भी ऐड करनी है। तो मैं अभी जब सिद्ध को पिक करने जाऊंगी तो मैं क्रीम खरीद के लाऊंगी। तो खाना मेरा आधा अधूरा सा हो चुका है, आधा अधूरा सा मतलब कि जो मेन चीज़ें वो बन गई हैं, दाल मखनी बन गई है, बस उसमें क्रीम मिलानी है, और शाही पनीर भी बन गया, उसमें भी क्रीम मिलानी है। और राइस मैंने धो करके भिगो करके रख दिए हैं, तो वो बस आके गरम गरम चढ़ा दूंगी, ज़ीरा राइस कर दूंगी। आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। सैलेड करना है और रायता बनाना है, तो बूंदी रायता बन रहा है जिसमें मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे। तो बस अब ऊपर ऊपर की चीज़ें बची हैं, 15-20 मिनट में सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सिद्धार्थ को लाने जाने का टाइम हो गया है, 1 बज गया है, तो अब मैं रेडी होंगी और उसको लेने जाऊँगी। सीरियसली गर्मी और कुकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक है।
गर्मी में कुकिंग बिल्कुल नहीं की जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि हे भगवान जल्दी से खाना बन जाए बस यहाँ से निकले, ऐसा है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी है ना इस टाइम, पता नहीं कब तक चलेगी। अब इस टाइम से अगस्त से जब से ये ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो जाती ना, तब से लगता है कि हे भगवान जल्दी से सर्दियाँ आ जाए और ये गर्मी चली जाए, पता नहीं कब आएंगी सर्दियाँ। अब तो सर्दियाँ भी बहुत लेट होने लगी हैं, पहले तो अक्टूबर से हल्की हल्की सी ठंड स्टार्ट हो जाती थी, अब नवंबर में जाके ठंडा स्टार्ट होता है। सर्दियाँ पीछे खिसकती जा रही हैं और गर्मियों का कहर जो है ना वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मैं निकल रही हूँ वापस आके, फिर आगे का जो प्रोसीजर होगा वो वापस आके दिखाती हूँ मैं, तो आपसे भी मिलती हूँ 40-45 मिनट बाद। तो सिद्ध को लेके आ चुकी हूँ मैं और मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है, मतलब स्कूल से डायरेक्ट मेरे घर पे ही आए हैं हम लोग। और क्रीम भी ले लिया था रास्ते में मैंने, तो थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे शाही पनीर में ऐड किया है, इसको गरम करने चढ़ा दिया, हल्का सा गरम कर दूँगी मैं क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया था, वैसे भी गरम ही है लेकिन थोड़ा सा क्रीम डालने के बाद मैं इसको हल्का सा गरम और कर दूँगी। और यहाँ पे मैं दाल मखनी के अंदर भी क्रीम ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा गार्निश में ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और क्रीम डालते के साथ ही ना दाल अपने एकदम पूरे रूप में आ जाती है दाल मखनी वाले, तो क्रीम ऐड कर दिया मैंने। और जो जिंजर मैंने बचाया था उसके जूलियंस करके रखे थे, तो वो जूलियन ऐसे मैं ऐड कर दूंगी और हल्का सा उबाला लगाऊंगी बस इसमें, बहुत ज़्यादा देर तक अब नहीं पकाना है क्योंकि दाल मखनी एकदम रेडी है। और ये जो मैंने क्रीम बाहर से लाया है ये एकदम ऑप्शनल है, आप जो घर पे मलाई निकलती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास क्या था, मेरी मलाई 2-3 दिन पुरानी थी, तो मैं, मेरी फ्रेंड आ रही थी घर पे तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया कि कोई टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इसलिए मैं बाहर से ख़रीद के लाई हूँ। अदरवाइज़ कम्प्लीटली फ़ाइन है कि आप घर की मलाई यूज़ करो, मैं भी घर की ही मलाई यूज़ करती हूँ। और पहले तो मेरा प्लान था ज़ीरा राइस बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पुलाव बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे काजू और किशमिश वाला पुलाव बना रही हूँ जो कि आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं इसमें। और ये मेरी फ्रेंड वंदना और सिद्धार्थ और इनका बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता है, तो हम स्कूल से ही फ्रेंड बने हैं। और इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई आपको फ़ेस टू फेस, बिकॉज बच्चे भूखे थे और हमें फटाफट किचन का काम निपटाना था, तो मैं कभी और करवा दूँगी। आगे भी बहुत सारे ओकेज़न होंगे जहाँ हम लोग साथ होंगे तो मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करवा दूँगी, फ़िलहाल तो हम लोग किचन में लगे हुए हैं। और बच्चे जो हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर कर रही हूँ पीछे का, बिकॉज़ हमारे दोनों के बच्चे मोगली बने हुए हैं, तो मोगली बच्चों को मैं यहाँ पर फ्रेम में नहीं दिखा सकती हूँ, उन दोनों को बहुत गर्मी लग रही थी तो दोनों मोगली बन के घूम रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन जहाँ भी वो दिखेंगे ब्लर कर दूंगी। और दो औरतें जब मिलें तो बातें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम भी नॉन स्टॉप बक 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 कर रहे थे, खूब सारी बातें कर रहे थे। बहुत ही कम टाइम मिलता है, 5-10 मिनट स्कूल में मिलते हैं, उतने में सारी बातें कंप्लीट ही नहीं हो पाती, तो खाना बनाते बनाते ढेर सारी बातें करने का भी मौका मिल गया, हमने जी भर के बातें करी। और आटा मैं लगा के गई थी तो हमने सोचा चलो दाल मखनी है, शाही पनीर है, तो एकदम होटल स्टाइल मेन्यू कर लेते हैं और तंदूरी रोटी बनाते हैं। तो मैंने अवन को डाल दिया था प्री हीट पे, और प्री हीट होने से ही पहले लाइट चली गई लगभग, बाद में तो 1 घंटे तक नहीं आई थी, पर फिर हमें प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि लाइट ही नहीं थी, तो फिर हमने जो नॉर्मल रोटी होती है वही बनाई। और ये है आज के गेस्ट के लिए मेन्यू, बहुत ही बढ़िया खाना बना था, सारी डाइट वायट छोड़ के मैंने भी जी भर के खाना खाया आज। और बनाए हैं पुलाव जो किशमिश और काजू वाले पुलाव हैं, सैलेड कट किया है, दाल मखनी है, आलू बीन्स की सब्ज़ी है जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, और शाही पनीर जो कि एक परफेक्ट गेस्ट मेन्यू है। जब भी आपके घर पर गेस्ट आए तो आप ये पूरा का पूरा मेन्यू ट्राई कर सकते हैं, बट जो रोटी है रोटी की जगह पूरी भी रख सकते हैं और तंदूरी रोटी भी कर सकते हैं या नान भी रख सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट जाएगा इसके साथ में। रायता मैंने नहीं किया,
रायता मना हो गया था इसलिए रायता नहीं किया मैंने, तो बस यही हमने खाना खाया है। और बच्चों को हमने पहले खिला दिया था, तो सिद्धार्थ की थाली देखिए साइड में रखी है, उसने थोड़ा सा मेरे लिए जो है छोड़ दिया है खाना। तो बच्चों का जूठा खाना जो है वो माँ के लिए वो होता है, मतलब मस्ट होता है, बिना उसे खाए पेट ही नहीं भरता। तो हमेशा जो है सिद्धार्थ कुछ ना कुछ छोड़ देता है, बोलता है मम्मा पेट भर गया, तो उसने थोड़े से चावल छोड़े हुए हैं जो मैं खा लूँगी बाद में। और दोनों बच्चे खा करके दूसरे रूम में थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। ये क्या घमासान मचाया है तुम दोनों ने? तो यहाँ पे मैं वंदना को कुछ अपनी चीजें दिखा रही हूँ, कुछ कलेक्शन दिखा रही हूँ जो कि हर लेडीज करती है, तो प्लीज डोंट माइंड इसके लिए। मैं भी जब किसी अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ तो अपनी वो चीजें दिखाती हैं कि मैंने ये लिया ये खरीदा, तो इसी तरीके से मैं भी कुछ चीजें दिखा रही हूँ। और शाम तक हमने खूब सारी बातें करी थी और इसके बाद फिर मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, तो बस यहीं तक का था ये मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरे किचन का चेंज भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।